गर्मियां आ चुकी हैं और भिंडियों का सीजन भी। एवरीडे मील को थोड़ा सा स्पाइसी बनाते हैं इस ढाबा स्टाइल मसाला कढ़ाई भिंडी के साथ। इस ढाबा स्टाइल रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने 1 kg भिंडी लिया है। 2 इंच साइज के टुकड़ों में इसे काटना है। भिंडी जो है वो फ्रेश वाले ले और इसको इस तरीके से काट के एकदम वॉश रख लिया है। अभी एक पैन में हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये ढाबा स्टाइल रेसिपी है, इसमें मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है। इसके ऊपर पहले से वॉश किए हुए भिंडियों को ऐड करेंगे और लगभग हाई टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक इसको हमें ऐसे ही भूनना है। तो आपको कॉन्स्टेंटली जो कच्ची है उसे चलाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अभी इसको हम एक सेपरेट प्लेट में उठा लेंगे ताकि जो इसको कूल डाउन होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे ग्रेवी के लिए। उसके ऊपर जो जीरा है वो, थोड़े से अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और साथ में थोड़े से प्याज का पेस्ट। आप ग्रेवी अपने हिसाब से क्वांटिटी में बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा ये पेस्ट ज़्यादा डालें। तो अभी इसको हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे और जो हमारे ड्राई मसाले हैं उनको ऐड करेंगे ताकि वो जल ना जाए, इसीलिए हम इसे ग्रेवी में ऐड कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने जीरा, नमक, उसके बाद धनिया का पाउडर, साथ में गरम मसाला पाउडर, उसके साथ कलर के लिए हल्दी और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। तीखा आप अपने हिसाब से डालें और अगर आपको टेस्ट बैलेंस करना है तो आप चीनी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनने के बाद हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास टमाटो प्यूरे है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमें मिक्स दे देना है ताकि जो ग्रेवी है वो बढ़िया सी टेस्ट में आ जाए। थोड़ा सा उबाल आने के बाद इसके अंदर हम जो पहले से फ्राई किए हुए भिंडी है उसको ऐड कर देंगे और भिंडियों को मसाले के साथ अच्छे से हमें कोट कर लेना है ताकि जो टेस्ट है वो एकदम बढ़िया से आए। तो अभी हम सारे भिंडियों को ऐसे ही कोट करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी यूज़ किया है क्योंकि मुझे ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक चाहिए और भिंडियाँ भी पहले से भुनी हुई हैं तो वो पहले से थोड़ा सा कुक्ड है। अभी इसको कवर करके 5 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है और जो ग्रेवी का ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है, यानी कि ये कुक है। अभी थोड़ा सा चेक कर लेंगे जो भिंडी है हमारी, यस वो भी कुक हो चुकी है। अभी एक सर्विंग बोल में इसको हमें फटाफट से निकाल लेना है और इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ बहुत ही आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। भिंडियों का सीज़न है, इसको आप अच्छे से बनाइए, खाइए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।